ये बैठी है पेड़ के ऊपर। ले जाएंगे, टाइम हो गया लगभग। अरे 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 अरे, क्या शानदार नजारा सिग्नल हिरन, क्या फ्रेम है यार। टाइम बहुत जबरदस्त है दोस्तों। मैंने अपने हाथ में डायरेक्ट कैमरा भी ऐसे रख लिया है ताकि सडनली से कुछ भी निकला तो बस सीधा ऑन कर दूंगा अगर मौका मिला तो। ऊपर को बंद कर, पत्तियाँ गिर रही है। इतना शांत एरिया है कि पत्तियों की आवाज़ भी डरा रही है। टहनी किसने गिराई होगी यार? हाथी? हाँ, ये कॉरिडोर है, हाथियों का ही है। ड्रॉपिंग भी पड़ी है यार पीछे। ये रास्ता नया खोल दिया भाई हाथियों ने, देख तो। चौका सब की वो है इनका प्रोसेस। ये है ड्रॉपिंग, मैं कह रहा हूँ हाथियों ने तोड़ा है ड्रॉपिंग। आप किसी पक्षी की है, मुर्गे की, फीमेल की हो सकती है। ये पेड़ है ना जिसकी उस पर अलग अलग शाखाएं हैं। लाफिंग थ्रश? ये बैठ गई ऊपर। व्हाइट क्रस्टेड लाफिंग थ्रश, क्या आवाज़ है यार इनकी। व्हाइट क्रस्टेड लाफिंग थ्रश आवाज़ आई ना अंदर तो तुम एकदम पलटा। हाँ, ये बैठी तो है, उड़ जा रही है ना। उसमें ब्लर आएगा ना, जो टहनी है ना बारीक बारीक सी वो ब्लर करती हैं। खुले में बैठी होगी ना तो दिखती है। वो आगे से शायद देखो कुछ निकल के जा रहा है। बंदर है? हाँ, बंदर है, बंदर बंदर है ना, छोटा था ना बहुत। हाँ, दो है ना। ऐसी निगाह रखनी होती है सामने की ओर, कुछ भी दिख सकता है दोस्तों। कुछ तो टहल रहा है अंदर भाई। हाँ, कैमरा पीछे ही कर लिया है। कुछ तो टहल रहा था। अच्छा, रेड जंगल फाउल हो है कुछ हो। निगाह तो मेरे पीछे है भाई, ऐसा हलचल। हाँ, एक सेकंड। अरे मोर उड़ के जा रहे हैं। अरे यार, मोर नहीं है वो। चलो 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 आगे। इतनी सी देर में क्या हो गया? और क्या, ऐसे हो जाता। दो मोरनी दिख गई हाथी की लीद के। उड़ के जा रहा? अरे मेरा सामने जो है यार, मैं डरा मत। वो जा रही है, वो बैठी ऊपर पेड़ पे जाके। अभी कैमरे से लेता हूँ। एक वहाँ भी बैठी है, एंगल बताना। ये बंदर टहल रहे हैं, यहाँ से निकली अभी एक मोरनी, खा गई वो नीचे के साइड ही। चलो कोई बात नहीं, बंदर देखे आप कितना रिलैक्स्ड है, बहुत ज़्यादा आराम से बैठे हुए हैं। अबे ये बगल में देख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वो अभी उड़कर बैठी है पेड़ पर। और एक और है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है ये सुंदर नज़ारा।
बंदरों को देखो कैसे सड़क पार कर रहे हैं। इधर नदी है ना, जहाँ जिस ओर जा रहे हैं दोस्तों, ये सीधे हाथ पर नदी है। देखो सब पानी पीने के लिए जाएंगे, अब टाइम हो गया लगभग। अरे 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 कितने मज़े में लेट गया आगे। अब जूम करने का टाइम नहीं है मेरे पास, वरना इसकी एक्टिविटी चली जाती। ब्यूटीफुल यार। अभी इस बंदर के ऊपर छोटा बच्चा बैठा हुआ था, इसकी पीठ पर उतर गया वो। एक्टिविटी देखो नहीं क्या, लड़ाई चल रही है। इतनी तेज पेड़ हिल रही है, बंदर ही है ना। ये खेलने में लगे मगन है। ये बैठी है पेड़ के ऊपर मोरनी। अब इनकी नेचुरल एक्टिविटी देखें दूर से, वो भी फुल जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। उतर गया, अभी देखते हैं रुकते नहीं रुकते हैं। उसने अपने बच्चों को पकड़ा चल दिया, वो बाइक वाले ने हॉर्न दे दिया यार, तब प्यारा मोमेंट था वो। तो दोस्तों सब कुछ छोड़ गया, एक मोटी और मिली है हमें, वो देखें आप उसके सुंदर क्राउन को। चलिए वाओ, बहुत छोटा बेबी है, गया पेड़ जंगल के अंदर। तो अभी हमने दिखाया आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पल जो जंगल के बीच बिता रहे हैं यहाँ के जीव। तो छोटे छोटे बच्चे थे ना बंदर के, वो दिखाया आपको। दो मोरनियाँ जो पेड़ों पर चढ़ी हुई थी, उड़कर गई थी हमारे सामने ही, उड़ते हुए तो नहीं ले पाए उन्हें, शायद एक आई हो, बाकी आपको पेड़ों पर चढ़े हुए दिखाया है। ऐसे ही है जंगल का जीवन, तो ये जीव बिता रहे हैं यहाँ पर, कभी खुशी कभी गम। ऐसा ही कुछ इंसानों की जिंदगी में भी रहता है, कभी खुश तो कभी दुख। ये देखा महान खिलाड़ी रेसर बॉय, ऐसा गोली गया भी निकल गई है 70-80 की स्पीड से। ये ब्रेक नहीं मारता तो उछल जाता वहाँ पर, रपटा है ना। वही चीज़ है, तो ये रेसर रोड नहीं है कि रेस लगाएं यहाँ पर खड़े होकर। वो भाई कितनी स्पीड से वो चला गया दूर, दिख भी नहीं रहा अब तो गोप्रो में। तो यही है, इसलिए मना करते कि तेज रास्ता में ना चलाए। अभी देखा वो बंदा का बच्चा, बच्चे की क्या गलती होगी बताओ, वो तो मासूम सा है। अभी चच्चा तो उड़ा देते हमें अभी। वही तो यार, कितनी तेज वो रोक ही नहीं रहे, रोकते तो वो खुद पलट जाते। इतनी तेज थोड़ी आया जाता है, तीन पहिया का वाहन है टेम्पू, इतनी तेज लाया हमें मिलने, मतलब मुड़ने का मौका नहीं मिला हमें, बच गए यार। अभी वो वीडियो बंद थी, मैं कुछ सेट कर रहा था एक्सपोजर, इतने में इतना कुछ घटित हो गया। ये जो है पार्ट्स ऑफ ट्रैवल कह लें या पार्ट्स ऑफ लाइफ कह लें, ये सब होते रहता। इतना शांत है जंगल यार। वही तो,
इतना घना है यार और इतना ठंडा है, कहीं भी आराम से लेटा होगा टाइगर। सही भी उसके हिसाब से जगह अच्छी है, गर्मी जो होती है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, और शिकार अगर खा लिया होगा। आवाज़ आई? हाँ तो दोस्तों यहाँ पर है इस गुहा में बच्चे हैं, वो भी रेड ब्रेस्टेड पैराकीट जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्या आवाज सुने आप, ब्यूटीफुल। निकल के आ जा यार, एक बार झांक लेना, मजा आ जाएगा है ना। ने अभी सुनी रेड ब्रेस्टेड पैराकीट की आवाज़, थोड़ी सी मेरी गलती हो गई कि मैंने उस समय बता दिया, अभी बता दो तो सही रहता है ना छोटे, उसमें और ज़्यादा आवाज़ सुना सकता था, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी इसलिए ज़्यादा रुक नहीं सकते थे, कुछ सेकंड उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करा और चलते बने। और अंदर है सुंदर सी फीमेल फीसेंट, क्योंकि कोई भी जीव बुरा नहीं होता, रंग उसका भले ही डल क्यों ना हो। तो आप देख सकते हैं अंदर कितना घना जंगल है, और कहीं भी कोई भी जानवर घूम रहा होगा कुछ पता नहीं है। ये वुड पैकर की आवाज़ है, देख लो लेंटाना को कैसे उनको चीर दिया है हाथियों ने तो चीरा। इसलिए जंगल को खोलने का काम हाथियों का ही है भैया। उसको हटाने की ताकत ना हाथी में ही है। नदी है, शाम का वक्त, क्या पता कोई जानवर आया हो पानी पीना, ये वह निगाह मार लेते हैं। दूर दूर तक कुछ नहीं है, चलो। यहाँ से भी कॉल हुई है स्पॉटेड डियर की, यहाँ से हुई है नीचे से। ब्यूटीफुल, क्या शानदार नज़ारा, सिंगल हिरन, क्या फ्रेम है यार। एक और है, मुझे नहीं दिख रहा। आएगा, हाँ दिख गया, एक पीछे और है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ओ भाई क्या सिचुएशन बन गई थी, दो कॉले वही तो दोस्तों, स्पॉटेड डियर की काफ़ी देर वेट करा, हो सकता लेपर्ड हो छोटे, हो सकता हाँ सामर डियर होता तो सामर डियर कर लेता, अगर उसे दिखता तो। पानी पीने तो हर कोई जानवर आएगा यार, इकलौता टाइगर थोड़ी है जो पीने, वही है मांसाहारी। सही बात, गोल्डन जैकॉल भी हो सकता। तो ऊंचाई वाले इलाके से नीचे की ओर आ गए हैं, तो देखते हैं हाथी वैसे कहीं भी हो सकते हैं, छोटे ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ही केयरफुली निकलना है यहाँ से छोटे। लोगों ने बताया ना हाथी हैं, कहाँ है कुछ नहीं पता, ये तो देखना कहाँ पर, तुम सामने देखो बस। तो दोस्तों अभी GoPro की बैटरी अभी ख़त्म हो गई है, चेंज करने की जगह नहीं है क्योंकि ये ख़तरनाक जगह है, और जैसी जहाँ ख़त्म हुई है बैटरी वहाँ आ रही थी ज़बरदस्त स्मेल, मतलब यहाँ पर किल हुआ है और हो सकता है टाइगर भी अंदर हो गई जंगल में, बहुत बुरी स्मेल आ रही थी यार, उसी वक्त बैटरी ख़त्म हुई है। अभी ये कैमरे से वीडियो बन रही है, आगे सही जगह देखकर बैटरी फटाफट बदलते हैं GoPro की, फिर देखते हैं हाथी अगर मिलते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं,
निकलते हैं यहाँ से, शाम का वक्त हो गया, सूरज कुछ देर में ढल जाएगा। खूबसूरत लग रहा है यार, क्या चमक है, देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैमरे से थोड़ी सी। तो वो चमक ये है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सूरज की रोशनी से, शाम का वक्त है तो असली चमक आप देख सकते हैं ये है। तो धीरे धीरे शाम होती जाएगी, रोशनी आप देख रहे हैं कितनी बची है, और हमें जाना है टाइम से अपने घर। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहेंगे, पहुंच जाएंगे हम। इसलिए शांत है, हम देखते हुए चल रहे हैं आसपास, शाम का वक्त है, कोई भी वाइल्ड लाइफ वो तो बंदर ने डरा दिया, बंदर है ये, लंगूर बैठे हैं। वाह लंगूर वो बंदर, वाह बड़ा कॉम्बो यार, वही तो इनकी आपस में बनती नहीं है और साथ में आज, मतलब आसपास कोई खतरनाक शिकारी है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ हुआ क्या? यही बंदर है, कहाँ खड़े हैं बता? कोर टाइगर टेरिटरी, कोर एरिया है पूरा ये, खतरनाक। हमें लगा देखो गाड़ी रुकी है ना कि कुछ है करके जानवर, वही तो हम रुक गए थे भी यार। इतने तो प्यारे प्यारे मूवमेंट थे पता, लंगूर और बंदर एक साथ, लेकिन छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि खतरनाक इलाका है ये। बंदर ना उल्टा होकर लटक कर देख रहा था मेरी तरफ ना, बहुत क्यूट सा लग रहा था, वही तो बहुत प्यारा लग रहा था बंदर। चलिए कोई नहीं, कभी कभी कुछ पल छोड़ना पड़ते हैं। कार क्यों रुकी? पता नहीं यार क्यों रोक रखी है कार, एक दो तीन कार है आसपास, चेक करो कुछ है क्या। अरे टस्कर है यार, टस्कर है, टस्कर है भाई साहब, टस्कर एलिफेंट मिल गया, वाह बिग साइज टस्कर एलिफेंट, वाह बिग साइज है। देख सकते हैं आप दोस्तों, टस्कर एलिफेंट है। उसके दांत देखें आप कितने जबरदस्त हैं। हमने कहा था ना कभी निराश नहीं होना चाहिए, और हमने यही बोला था कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें, किस्मत को मंजूर है। लीजिए जी,
टस्कर एलिफेंट, जैसे कुछ सेकंड रुके थे हम ग्रासलैंड, क्या बात हो सकता है यहाँ से क्रॉस होकर अंदर की ओर चले गए, कुछ भी हो सकता है, या नीचे से ऊपर आए हो ये भी तो हो सकता है। हाँ आप तो गए ना, क्या पता है वो हाथी ना हो। हाँ, वो बोल रहे थे जैसे ग्रासलैंड के पास कह रहे थे कि हाथी मिले हैं, लेकिन ये तो अलग है, पीछे बहुत दूर है और बिल्कुल नदी के पास है। तो ये खाते खाते पानी पीने के लिए जाएंगे दोस्तों। तो ये जंगल ड्राइव कैसी रही वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं जंगल का क्या कर रखा है इन लोगों ने, मतलब रेस लगाई जा रही है, वो भी स्प्लेंडर प्लस से। वो देखो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उठ गए वो, ये बैठने वाले कौन है महान लोग? यहीं पर अभी टस्कर दिखा है अच्छी, और उसके बाद कहते हैं टाइगर ने या वाइल्ड लाइफ ने अटैक कर दिया, तो अटैक तो होंगे, अगर ऐसी लापरवाही रहेगी तो अटैक होते रहेंगे। वही तो बड़ा दुख होता है देख कर ये सब चीज़ें। ये फ़ोन पे बात करने की जगह है क्या? अब आप देख सकते हैं लोग और लेडीज़ हैं तीनों। हाँ और देख सकते हैं पूरे प्योर जंगल है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।